बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ज़ाफ़रानी चांदी के वर्क की नाइट क्रीम। जी फ्रेंड्स, ये नाइट क्रीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी ब्यूटी स्किन के लिए। फ्रेंड्स, इस क्रीम को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्यूटी हो जाएगी, बहुत ही आप खूबसूरत हो जाएंगे, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सप्पल आपकी स्किन हो जाएगी। ऐसी क्रीम ना तो आपने पहले यूज़ की होगी और ना ही कहीं देखी और सुनी होगी। फ्रेंड्स, ये क्रीम घर में बनाना है बहुत ही आसान। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस क्रीम को इजीली बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि इस क्रीम को मैंने किस तरीके से बनाया है। फ्रेंड्स, इस पर मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, दो चम्मच कोकोनट ऑयल, एक चम्मच। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी विटामिन ई ऑयल के 2 कैप्सूल्स। फ्रेंड, अब मैं ऐड करूंगी एक चुटकी ज़ाफ़रान। इसको इतना मिक्स करना है कि जो ज़ाफ़रान है वो अपना कलर छोड़ दे। चांदी का वर्क। ऐड कर दिया है मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्रीम रेडी है, अब मुझे चाहिए क्लीन कंटेनर। तो जी फ्रेंड्स, हमारी ज़ाफ़रानी नाइट क्रीम रेडी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ज़ाफ़रानी नाइट क्रीम रेडी है। आप इस नाइट क्रीम को एक महीना के लिए रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही अनमोल तोहफा है। इसमें जो चांदी का वर्क और ज़ाफ़रान ऐड किया है, ये आपकी स्किन को फेयरनेस देने के साथ साथ आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा, आपकी स्किन को बहुत ही ब्यूटीफुल कर देगा। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल ये आपकी स्किन पर से टैनिंग को, एक्नी स्कार्स को और एक्नी को ट्रीट करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल की वजह से ये आपके स्कार्स को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आई होप आपको मेरी रेमेडीज ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।